हजार नहीं, कई हजार कमा कर दिखाएंगे सबको, क्योंकि आज के बाद से हम एक नए सफर पर चलने वाले हैं। दीन के साथ साथ दुनिया के सफर पर भी चलें। तुम हमें महीने के 5,000 रुपए भी दोगे ना तो हमें खुशी होगी, उन्हें अपना समझकर हम फक्र से खर्च करेंगे। हेलो भाई साहब, लिफ्ट बंद है। जरा जरा हाथों में, जरा अपना हाथ दो, जरा ऊपर देखो हाथों में। कबीर बेटा संभल के, मैं बेटा बेटा पकड़ लूँ उसे। एक सेकंड मारे कबीर, हमारा हाथ टूट रहा है। जरा रुको, हम आ गए। कबीर जरा ये लो पकड़ो, इसे पकड़ो, जरा जल्दी पकड़ो। देखो, दिखाओ मेरे को, तुम्हारे हाथ दिखाओ। हम ठीक है, हम ठीक है, नहीं, हम ठीक है, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, कभी कभी कुछ नहीं हुआ। वीर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तुम्हारे पास खुशी खुशी आ रहे थे, पता है तुम्हारे लिए हम पैसे कमा कर आए थे, गिर गए जरा, हमने कुछ नहीं किया, वो जब हम तुम्हें ऊपर खींच रहे थे तो पैसे गिर गए, पता नहीं कैसे।
कमाएंगे, आज नहीं तो कल जारा, कल नहीं तो परसों, हम रुकेंगे नहीं। हम रोज कमाएंगे। तुम्हारी कमाई कबीर, गिरते वक्त पैसे हमारे हाथ में आ गए थे। तुम्हें पता है 100 रुपए का नोट हमारे लिए करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा कीमती है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय। चलो चलो। सुनो, ठीक हो ना बाप जी? हम ठीक हैं। वैसे जरा हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम गिरी कैसे? तुम्हारा पैर फिसल गया या तुम, हुआ क्या? रुखसार भी थी ना वहां? हाँ ये ना? तो फिर हुआ क्या? ये इतनी सारी भीड़ हमारे कमरे के बाहर क्यों? सुनो, छुपाना मत हमसे कुछ भी। रुखसार, हम कुछ पूछ रहे हैं? देखो, रो का ड्रामा मत करो, बताओ हमें जारा को धक्का तुमने क्यों मारा? फर्रा, जारा, 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 या अल्लाह, जारा तुम ठीक हो ना? हाँ, लगे तो नहीं तुम्हें कहीं? नहीं नहीं भाभी, हम बिल्कुल ठीक हैं। बला टल गई बेटा, बला टल गई। कबीर ने ऐन मौके पर आके तुम्हारी जान बचा ली, वरना रुखसार ने तो धक्का मार के तुम्हें मार ही डाला था। या अल्लाह, नहीं या अल्लाह। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, ये खानदानी मामला है, क्या आप लोग हम लोग को अकेले छोड़ सकते हैं? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं और घबराने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं रुखसार। बस हमें इतना बता दो कि तुमने जारा को धक्का क्यों मारा? बस इतना जानना चाहता, और कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुमने जारा को धक्का क्यों मारा। वो हमें जारा से बदला लेना था तो हमने ले लिया। हम कोमा में गए थे तो हम उसे कोमा में डालना चाहते थे।
अल्लाह रुखसार जारा नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं आओ तुम बैठो हाँ मैं ना तुम्हारे साथ बैठो नहीं कोई बात नहीं हम दोस्त हैं हमारी पानी पियो ठीक है सर ये उमा का मतलब क्या होता है या अल्लाह हमने कोमा का मतलब तो रुखसार को बताया ही नहीं था कहीं ऐसा ना हो कि कबीर रुखसार से प्यार से सब उगलवा ना ले तुम हमारी दोस्त बस हमें इतना बता दो कि कोमा होता क्या है हमें नहीं पता कोमा हमें याद था हम अभी भूल गए ठीक है अगर तुम भूल गई तो हमें ये बताओ कि जारा ने तुम्हें कोमा में डाला तुम यही कह रही हो ना ये तुम्हें किसने बताया तुम जारा की वजह से नीचे गिरी तुम उसकी वजह से कोमा में गई नुकसान किसने बताया तुम्हें ये नहीं 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 किसी ने नहीं बताया किसी ने नहीं बताया लगता है तुम भूल गई वो कहानियां जो हम तुम्हें सुनाते थे सोने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी कहानी थी अम्मी हम अक्सर रुखसार को सुनाते थे कि एक छोटी सी लड़की थी हाँ जो कभी झूठ नहीं बोलती थी और अल्लाह अल्लाह ताला वो लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती थी वो क्या ना कि अल्लाह ताला को झूठ बोलने वालों से बिल्कुल लगाव नहीं है वो ना पसंद है उन्हें क्योंकि क्या होता है हम भूल गए झूठ बोलने का जो अजाब अल्लाह ताला उसको जन्नत भेज देते और उसके दुकान जला देते हैं देख रहे हैं आप अरे रुखसार है ये हम आपसे कह रहे हैं सब कुछ जानती है रुखसार कि झूठ बोलने से जहन्नुम में जाना पड़ेगा अब बताओ सब कुछ सच तुम्हारे दिमाग में ये किसने ख्याल डाला कि जारा ने तुम्हें कोमा में डाला और तुमने इसे ये जो धक्का मारा ना वो एक बार फिर सोच लो रुखसार कि तुम्हें जारा से बदला लेना है या नहीं क्योंकि कुछ भी हो जाए तुम्हारे मुंह से हमारा नाम नहीं निकलना चाहिए कि हमने तुम्हें जारा को मारने के लिए कहा था रोज लेकिन अगर कबीर ने हमें डराया धमकाया और गलती से हमारे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया तो जानती हो ना इसमें क्या है ऐसे 25-30 बिच्छू हमारे पास है अगर तुम्हारे मुंह से एक बार भी हमारा नाम निकला तो वो सारे के सारे बिच्छू तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे शाबाश ऐसी गलती करना भी मत तुम्हारा जो ये दिमाग है ना वो बच्चों का दिमाग है और बच्चे के दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि वो किसी को धक्का मारे हमें बस एक बार बता दो किसने तुमसे कहा झूठ बोल रही हो तुम बस हो चुका है झूठ बोल रही हो तुम जानती हो इसका अजाब क्या होगा अभी क्या अभी हमें बताओ रुखसार खुदा की कसम खा के कह रहे बहुत बुरा होगा एक सेकंड बताओ हमें कुछ नहीं पता किसी कुछ चाहिए तुमसे कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दो कभी कुछ पूछ रहा है तुमसे हमें नहीं पता नहीं पता कैसे नहीं पता जवाब दो वो आवाज सुन रही हो रुखसार जो बाहर से आ रही है वो है पुलिस की आवाज रुखसार अगर तुम अभी इसी वक्त हमें सच नहीं बताओगी ना तो वो तुमसे सारा सच उगलवाएंगे अब बताओ रुखसार जवाब दो नहीं
बस हो चुका है, बहुत हो चुका। चलो कभी 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 ये बच्ची है, इसने जो कुछ भी किया नादानी में किया, पुलिस को देखेगी तो और डर जाएगी, इसे मत लेकर जाओ। तो जो सच है उसका पता लगाना ही पड़ेगा भाभी, क्योंकि हमारी बीवी को मारने की साजिश की गई है। और ये कोई बचकानी हरकत नहीं थी। कभी 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 कमाल की किस्मत है मैडम आपकी, जो आप बच गई। लेकिन ये बताइए कि आखिर इतनी ऊंचाई से आप गिरी कैसे? असल में हम और रुखसार खिड़की पर खड़े हुए थे, तभी वहां एक तितली आकर बैठ गई खिड़की के नीचे। असल में इंस्पेक्टर साहब, रुखसार दिमाग से बच्ची है, वो हमसे जिद करने लग गई कि हम वो तितली पकड़े और उसे थे। उसकी जिद पूरी करने के लिए हम नीचे झुक गए ताकि वो तितली पकड़ ले। वो तितली थोड़ा और भी ज्यादा उड़कर और नीचे चली गई। उसको पकड़ने के लिए हम खिड़की से थोड़ा और नीचे झुके और हमारा बैलेंस बिगड़ गया और हम उछल कर नीचे गिर पड़े। यानी कि आपको नीचे गिराने में किसी का हाथ नहीं है, आप खुद ब खुद बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिरी ना? ए अल्लाह, हम रुखसार को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हमें माफ कर दे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलत है। हमने खुद देखा कि जारा लटक रही थी और रुखसार उस पर गमले फेंक रही थी और पाइप से गिराने की कोशिश भी कर रही थी, हमने देखा है जारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि अम्मी को कोई गलत फहमी हुई हो। रुखसार बेचारी तो हमें बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो पाइप दे रही थी ताकि उसे पकड़ कर हम ऊपर आ जाएं। कैसी बातें कर रही हूँ जारा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अम्मी आपकी आंखों ने धोखा खाया। एक बात हमें बताइए, जब जारा वहां थी और जारा के साथ ये सब हुआ तो रुखसार ने क्या किया क्या नहीं किया ये जारा को पता होगा ना? और वैसे भी आप बाद में आई थी ना? इंस्पेक्टर साहब, अम्मी थोड़ा घबरा गई है इसलिए, वरना रुखसार तो हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। हमारा मानना है कि ये सिर्फ एक अनजाने में हुआ हादसा है और कुछ नहीं। वैसे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब 2 मिनट आइए, आपसे बात करनी है, आइए चलिए। थैंक यू शुक्रिया जी। ये सब क्या है कबीर? जारा है? अम्मी हमारी बात सुनिए, आप जीनत भाभी को लेकर घर जाइए, हम जारा के साथ रुखसार को लेकर घर आएंगे। लेकिन कबीर, बहस का वक्त नहीं है। अम्मी चलिए। हाँ अम्मी, आप घर जाइए। सही है। सर घर पे नहीं रह सकती, आज उसने तुम्हें धक्का दिया है, आगे जाकर क्या करेगी हमें नहीं पता। सबसे पहली बात तो कि बहुत अच्छा हुआ तुमने पुलिस के सामने कुछ नहीं बोला। सर दिमाग से बच्चे, अगर हम कुछ बोल देते या पुलिस को बता देते तो और घबरा जाती, उसकी बीमारी और बढ़ सकती थी। अगर हम रुखसार को नहीं बचाते तो हमें असली गुनहगार का पता नहीं लगता, और इस वक्त हमारे लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। हमारा मानना है कि उसे जेल भेजना उसकी मुश्किल का हल नहीं है, उसकी मुश्किल का हल कहीं और है सारा। कबीर, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उसके लिए पहले हमें अब्बू से पूछना पड़ेगा। रुखसार हमारे निकाह में, वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम जो करेंगे वो उसके लिए सही होगा, और जो हम करने वाले ना वो ही उसके लिए सही है।